सूरज भैया हुए और खर्च मुझे करना पड़ा। सुभाष तुम्हें क्या हो सकता थी खर्चा करने की? हाँ सुभाष बाबू, हाँ सुभाष बाबू, सूरज के वास्ते आपको खर्च करने की क्या जरूरत थी? क्यों ना करूं मुंशी जी, सूरज भैया की खुशी और हमारी खुशी तो एक ही है। सुभाष इतना भी नहीं समझता, सूरज तुम्हारा वो नहीं है जो तू समझता है। ये तुम क्या कह रही हो माँ, क्या अंतर है हम में और सूरज भैया में? सुभाष इतना भी नहीं समझा, सूरज तुम्हारा भाई नहीं है, सूरज तक किसी और का जन्मा हुआ है। माँ मैं सब समझ गया, सूरज भैया को पापा ने उठा कर लाया है और पापा जी मेरे लिए नाग पाल रखे हैं, मेरे संपत्ति का हिस्सेदार पाल रखे हैं। हाँ बेटा मैं भी यही समझाती हूँ, अगर सूरज ना होता तो इस जमाने में तुम जिंदगी भर ऐश करता। हाँ सुभाष बाबू आप तो जिंदगी भर ऐश करते, सूरज के वास्ते आपको खर्च करने की क्या जरूरत थी? सुभाष बाबू आप तो जिंदगी भर ऐश करते, मगर सूरज आपको कुंडली पर जिस संपत्ति पर कुंडली मार कर बैठा है। उनसे ये तुम क्या कह रहे हो, मेरा नाम सुभाष है सुभाष, मैं अपना दुश्मन नहीं पाल सकता हूँ, मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि सूरज खुद किनारे हो जाएगा। नहीं बेटा ऐसा कभी मत करना, नहीं तो तुम्हारे पिताजी की नजरों में हम दोनों गिर जाएंगे। जब तक सूरज रहेगा तब तक हम दोनों उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुमने अभी सुभाष का असली चेहरा देखा कहाँ है? आज तक हमने अपना दुश्मन नहीं बनाया और सुभाष मेरा दुश्मन है और उस दुश्मन को किनारे किए बगैर मैं चैन नहीं लूंगा। अच्छा बेटा मैं भी यही समझाती थी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें समझाने में मैं कामयाब हो सकी। हाँ सुभाष बाबू आपकी माँ आपके वास्ते क्या क्या नहीं की, आपकी माँ ने आपके वास्ते क्या क्या नहीं की, आपकी पूरी जिंदगी रिलाइज करना होगा। सेठ साहब से टकराना मुंशी का पाय हाथ का खेल है। माँ मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे आँखों को काटा को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। नहीं बेटा कभी ऐसा मत करना, नहीं तो हम दोनों उनकी नजरों में गिर जाएंगे। इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखूंगा माँ। भैया सूरज भैया कहाँ रुक गए? ज्योति तुम इतना घबराई क्यों हो, वो आते ही होंगे, उनका तो न्यू एडमिशन हुआ है। ज्योति तुम हर बात सूरज क्यों लगाई रखती है, अपना तो ख्याल रखा करो।